क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम 24वां इतवार मना रहे हैं और आज के तीनों पाठ में हम देखते हैं कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमें क्षमा, दया और प्रेम के बारे में बता रहे हैं। आज के सुसमाचार में पेत्रुस आके प्रभु यीशु क्रिस्त से कहता है कि प्रभु, मैं मेरे दुश्मन को, मेरे अपराध करने वाले को कितने बार माफ़ करूँ? और वो खुद आंसर देता है कि 7 बार। क्या उसको बहुत खुश, अच्छा लगता है कि उसने इस उत्तर दिया। यहूदी की नियमों के अनुसार अगर हम 3 बार माफ़ करते तो आप बहुत अच्छे हो और आपको और अच्छा बनना है, शास्त्री और पुरुष की तरह बनना है, तो आप 7 बार माफ़ करो। लेकिन प्रभु यीशु क्रिस्त पेत्रुस से कहता है 70 के 7 बार माफ़ करना है। मतलब आपको माफ़ ही करते जाना है। और उसके बाद प्रभु यीशु क्रिस्त 2 सेवकों की कहानी बताते जो आप सबको पता है। पहले सेवक को 1,00,000 रुपया अपने मालिक को देना था, लेकिन वो मालिक उसे माफ़ करता है। वही सेवक जाके अपने दूसरे सेवक से खाली 100 दिनार लेना था। आज की दुनिया में अगर हम देखते हैं 100 दिनार मतलब 20,000 रुपया, लेकिन वो 20,000 रुपया माफ़ नहीं कर सका। और यही आज का सुसमाचार हमें कहता है कि क्षमा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो असंभव नहीं है। इंग्लिश में कहा जाता है, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट बट नॉट इम्पॉसिबल। इससे एक मुझे कहानी याद आती है। कहानी है 2 पड़ोसियों की, एक था रमन, एक था मगन। दोनों का हो गया झगड़ा। झगड़ा होने के बाद उन्होंने अपनी झगड़े की दुश्मनी बहुत बरसों तक रखी। एक दिन रमन बहुत बीमार गिर गया। बीमार गिरने के बाद वो अपने बेड पे पड़ा था। फादर को बुलाया गया, फादर ने उसको अंतिम मलन सैक्रामेंट दे दिया और पाप पश्चाताप में उसने कहा कि मैं मेरे पड़ोसी से झगड़ा किया था। तो फादर ने कहा कि जाके उससे क्षमा मांगो। सो मगन को बुलाया गया, मगन आया, दोनों बैठे, सलोका हुआ, समाधान हुआ, दोनों ने बात की। और जैसे ही मगन जा रहा था, रतन उसको बोला, मगन अगर मैं मर गया तो अपनी दुश्मनी ख़त्म, लेकिन मैं इससे बच गया तो हमारी दुश्मनी वापस शुरू। यह क्षमा का अर्थ नहीं होता। और आज प्रभु यीशु क्रिस्त हमें यही कह रहे कि हमें क्षमा करना ज़रूरी है पूरे मन से। किसको क्षमा करना है? बहुत लोगों को लगता है क्षमा करना मतलब मेरे पड़ोसी को या दूसरे व्यक्ति को, लेकिन हमें 3 लोगों को क्षमा करना है। सबसे पहले अपने पड़ोसी को जो हमारे विरुद्ध अपराध करता है, दूसरा जो है वो ईश्वर को हमें क्षमा करना है, और तीसरा है खुद को। ईश्वर को क्यों क्षमा करना है? कि बहुत से लोग ईश्वर के विरुद्ध बोलते हैं, बहुत से लोग ईश्वर से, परमेश्वर से कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, और मांगने के बाद अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं हुई, उनकी आकांक्षा नहीं पूरी, तो उनको ईश्वर के विरुद्ध बहुत गुस्सा रहता है। बहुत से ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं, कहते हैं मेरे को विश्वास नहीं ईश्वर पे। तो हमें सबसे पहले हमें ईश्वर को क्षमा करना है, दूसरी हमें पता हमारे विरुद्ध जो करता, और तीसरी बात है हमें खुद को। बहुत से लोग खुद को क्षमा नहीं करते, इसलिए शारीरिक जो बीमारियाँ रहती है हमारी में वो क्षमा न करने से आती है। और इसलिए आज का सुसमाचार हमें यही कह रहा है कि हमें क्षमा और दया दिखानी ज़रूरी है, क्योंकि यीशु का संदेश यही था, क्षमा और दया का। क्षमा और दया का संदेश था, है और रहेगा। और सबसे बड़ा उदाहरण प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमें जो दिया है वो है क्रूस का। क्रूस पर मरते समय भी उसने अपने अपराधियों को, अपने दुश्मनों को माफ़ कर दिया। और आज का सुसमाचार हमें यही कह रहा है। आज के सुसमाचार में हमें एक वाक्य भी दो बार मिलता है, मुझे समय दीजिए। जब ये पहला सेवक आता है और अपने मालिक को कहता है, तो कहता है, मालिक मुझे समय दीजिए। दूसरा भी सेवक पहले सेवक को कहता है, मुझे समय दीजिए। क्या ईश्वर ने हमें समय दिया है क्षमा करने को? क्या आपके पास आज समय है क्षमा करने के लिए? अगर आपके पास समय है तो जाके अपने अपराधियों को क्षमा करो। जय क्रिस्त।